सभी स्त्री शक्ति को इस समय उपस्थित जितनी स्त्री शक्तियां हैं हमारा इस समय के कार्यक्रम में सबका हार्दिक अभिनंदन, सबको नमस्कार, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसका जो टाइटल है वो है अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। यानी के हम सभी लोग इतने सक्षम हैं और हम लोग सभी के भीतर सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हम उनका विकास नहीं करते। वो बहुत सारी परतों के नीचे, बहुत सारे जीवन के उथल पुथल के चलते हमारी क्षमताएं कहीं खो जाती हैं, और हम जो कर सकते हैं, जिसके हम काबिल हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है, उसका विकास नहीं कर पाते। तो हमें कैसे अपना ट्रू पोटेंशियल कैसे अनलॉक करना है, और कैसे उस जिस व्यक्तित्व का निर्माण और जिन गुणों से भरपूर ईश्वर ने हमें बनाया है, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उस व्यक्तित्व को, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। और बात बहुत आसान और सरल और साधारण है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एडमिन इस समय कौन है? फ्रंट पे मुझे ले आए, रिकॉर्डिंग चल ही रही है हमारी फ्रंट स्क्रीन पे, ताकि सब लोग देख सकें, इफ इट इज पॉसिबल। तो हमें जीवन में जो पहला नियम है, वो कौन सा नियम है टू अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल? के हमेशा जो भी तुलना करें, आप अपने कल के व्यक्तित्व से करें, ना कि किसी और के आज से। यानी के मैं कल कैसी थी, यानी के जिस समय उम्र के हर पड़ाव पे, उम्र के हर दौर पे हम एक नई समझ डेवलप करते हैं। जो आज समझ मेरी है, वो शायद आज से 10 साल पहले नहीं थी। तो मुझे क्या करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? मुझे निरंतर अपनी समझ, अपनी सोच, अपना ज्ञान, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। और उसका तरीका क्या है? मैं अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करूं, और कोई दूसरे जैसे मुझसे चाहते हैं मैं उनको ना देखूं, बल्कि मैं अपने अपने निम्न स्तर को देखूं कि कल मैं कैसी थी। क्या मैंने कल से लेके आज में मैंने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की है? अपने विचारों में, अपने ज्ञान में, अपने हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि आप उम्र में तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोच समझ में आप शायद वहीं अटक गए हैं। तो निरंतर हमारी ग्रोथ जो है, हमारी समझ जो है, उसका हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? जो हमारी अगर कल यानी के पास्ट में अगर मेरे अंदर कुछ गुस्से की भावना, ईर्ष्या की भावना, या फिर क्रोध की, जलन की, लोभ की भावनाएं होती थी, तो आज हर दिन मुझे ये कोशिश करना है कि जितना परसेंट मैं पास्ट में अगर मेरा क्रोध का स्वरूप होता था, या मेरे ईर्ष्या का, या लोभ का, तो उस स्तर में धीरे धीरे उम्र के साथ उन सारे नेगेटिव जो क्वालिटीज हैं उसमें गिरावट आए, और धीरे धीरे उम्र के हर पड़ाव पर जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनका विकास हो, और उसको हमें निरंतर चेक करना चाहिए। अक्सर हमारा ध्यान जो है, हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से जज करते हैं कि हाँ, इस फला व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमें अब क्या करना है, क्या समझना है कि हमें अपनी ऊर्जा को दूसरों पर, दूसरों का जजमेंट करना और उनके विषय में उनकी कमियां निकालना, इस पर नहीं ध्यान देना, बल्कि कल हमारे भीतर अगर 10 कमियां थी, तो आज हमारे भीतर कम से कम 8 कमियां रह जाएं। आने वाले कम समय में हमारी उससे भी कम कमियां रह जाए, 5 रह जाए, तो धीरे धीरे हमारा
इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। और नहीं तो हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो स्पर्धा है, वो हमारी अपने आप से होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों से। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और इसके लिए जो है हमें सबसे पहले जो है अपने आप से पूछना है कि क्या सही तरीका है और किस तरह से हमें रहना है। तो उसका एक ही तरीका है कि हमें जीवन में मीनिंग, यानी कि हम जीवन क्यों जीते हैं, जीवन का पर्याय क्या है, उसमें जीवन में जिसे कहते हैं ना, जीवन को सार्थक कौन सी चीजें बनाती हैं, उसका हमें जो है ध्यान रखना है। कि ये कड़वा सत्य है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जीवन चैलेंजेस से भरा हुआ है, ट्रेजेडी से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय पर या किसी भी ऐसी सिचुएशन में क्या बैठे रहना, कुछ ना करना वो ज्यादा सही है, या उठकर एक कदम ही चलना क्या वो बेहतर नहीं है। चाहे वो एक कदम ही आप उठाएं, आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। कई बार लोग ये कहते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन, के वी डोंट नो, हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने जीवन में, आप अपने कमरे से शुरू कीजिए, आप अपने कमरे को साफ सुथरा कीजिए, मेक योर ओन बेड। अगर दिन की शुरुआत आप अपने आसपास इर्द गिर्द जो केओस है, जो आसपास जो क्या कहते हैं बिखराव है, उसको समेटे, उसमें खूबसूरती लाएं अपने आसपास के वातावरण में। चाहे वो एक छोटा सा काम क्यों नहीं, तुम जैसे कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए यू स्टार्ट विद क्लियरिंग योर मेसी रूम, आपका जो रूम जो मेस है, यू स्टार्ट विद ईच डे बाय क्लियरिंग एंड मेकिंग टाइडिंग योर रूम। ये छोटा सा काम बहुत लगेगा कि ये इतना छोटा सा काम, ये भी कोई काम है, लेकिन छोटे छोटे कामों की आदतें डालने में और ब्रिंगिंग ऑर्डर टू द केओस, उसकी शुरुआत आपके जीवन में इस तरह से हो जाती है। तो जीवन में जब भी कोई जिसे कहते हैं हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमें हमें उसके सामने हथियार नहीं डालने, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमारे जीवन में अर्थ जो है कहाँ से आता है, कोई सिचुएशन आई, अब मान लीजिए ये कोरोना की ही सिचुएशन ले लीजिए, इस समय जो है पूरा जो है हमारा जो सोसाइटी का इकोनॉमिक जो स्टेटस है, या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारा हेल्थ स्टेटस है, हमारा स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ चुका है। तो इस समय पर क्या हमारा कर्तव्य क्या है, कि क्या हम कुछ ना करें, या हम अपना जो दायित्व है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हमारे हाथ में है, जैसे कि हम अपने स्वयं जो है स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर काम कर सकते हैं जो जरूरी है, आवश्यक अपने व्यायाम योगा ये सब कर सकते हैं, भोजन का ध्यान। और जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और फिर हमारे अंदर जो ऊर्जा आएगी, उससे हम अपने घर के सदस्यों का, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और देखभाल जब हम अपने घर के परिवार के सदस्यों की देखभाल कर पाएंगे, और हमारे भीतर ऊर्जा होगी, अगर हमारे अंदर क्षमता है, तो हम अपनी कम्युनिटी, हम अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने कार्यों द्वारा, सोशल वर्क द्वारा, हम अपनी सोसाइटी के भले के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ये कह के कि हम क्या कर सकते हैं, ये कह के हमें पल्ला नहीं झाड़ना है, बल्कि वी नीड टू टेक चार्ज। और जीवन में जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। हम ये कह के नहीं पल्ला झाड़ सकते कि हम क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। आप शुरू में आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो आप कोई भी छोटा प्लान बनाएं कि मैं अब से इस तरह से अपने जीवन को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो प्लान कितना ही खराब,
या बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन आपके जीवन में एक डिसिप्लिन आएगा। यानी कि आपको यदि अपना जीवन बेहतर बनाना है तो अथ योग अनुशासनम, यानी कि जीवन में अनुशासन डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक जो अनुशासन नहीं आएगा तो जीवन में आपके सुधार नहीं आएगा। हाँ, ये कष्टमय हो सकता है, आपको डिफिकल्टी आएगी, इट इज नॉट इजी। जो लोग सुबह उठते हैं और आराम का त्याग करते हैं और फिर व्यायाम इत्यादि करते हैं, या जो लोग उपवास करते हैं, ये भी एक तरह का तप है, ये भी एक तरह का जो है कष्ट सहने की क्षमता बढ़ाने की तरफ एक आपका प्रयास है। तो आपको ये निरंतर अपने भीतर अपने गुणों का विकास करना है और ये देखना है कि कल मैं जहां खड़ा था या खड़ी थी, आज क्या मेरे भीतर मैं आज कल से बेहतर हूँ या मैं और कल से भी वर्स हो गई हूँ। उम्र के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में जो क्वालिटीज मुझे डेवलप करनी चाहिए थी वो मैंने डेवलप ही नहीं करी, और बल्कि और जो है अपना स्तर निम्नतर कर दिया। तो उस तरफ आपको कंटिन्यूस चेक रखना है, बजाय दूसरों को आंकना, दूसरों की कमियां निकालना, हमें हमेशा अपनी जो भीतर की कमियां हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा, आ, आ, जिसे कहते हैं अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस आएंगे, है कि नहीं? हमने ऐसा सोचा, किसने सोचा था कि कोरोना का ऐसा टाइम आएगा और ऐसी हमारी स्थिति होगी? तो हमारे जीवन में कर्तव्य क्या है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हम जो है सहजता से और अपनी क्षमताओं से घबरा के नहीं, बल्कि दृढ़ता पूर्वक जो है उस जीवन में जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम उससे निकल जाएं और उसका हमारे ऊपर ज्यादा असर ना हो। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आज आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि कल ऐसा हो। आप बीमार हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं, कोई भी कैलामिटी आ सकती है, नेचुरल आ सकती है, जैसे कि इस समय अचानक से ऐसा क्या कहते हैं वातावरण हो गया। इसमें देखिए, जो लोग इतने सक्षम नहीं थे वो कई लोग डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि अचानक से ऐसी बात आई, अचानक से कैरियर, अचानक से हेल्थ, फैमिली क्राइसिस है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि क्राइसिस और समस्याएं और जीवन की कठिनाइयां किसी भी समय किसी भी प्रकार की आ सकती हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? कठिनता का मार्ग अपना के अपने आप को सक्षम बनाना, अपने भीतर ऐसी क्वालिटीज बनाना, अपने मन की स्थिति को इतना स्ट्रांग बनाना कि कोई भी परिस्थिति आए और हम अडिग रहे, हम उससे घबराए नहीं, और उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी भावनाओं पर इतना असर ना हो कि हम डिप्रेशन में आ जाएं, अपना मानसिक संतुलन खो दें। तो इस इन चीजों का जो है हमारे को निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। और अगर देखिए, अगर हम अपने जीवन में जो हम एक ऑर्डर, एक व्यवस्था लाते लाने का अगर हम प्रयास नहीं करते, एक व्यक्ति है उसके, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मकान खरीदने जाती हूँ और मेरी जेब में मान लीजिए कुछ ही, जिस कह लीजिए चलिए 1 लाख, वैसे यहाँ 1 लाख में मकान नहीं मिलता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि इतना ही पैसा है, अब मुझे मकान लेना है उतने पैसे में ही। अब मैं वो मकान ले लेती हूँ और देख के मैं कहती हूँ कि अरे ये कितना बहुत ही बेकार है, इसमें तो बहुत ही हालत इसकी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास थे उसमें उतना ही मिलना था। तो आपका क्या कर्तव्य है? क्या आप उसको देख के हताश होंगे या तुरंत आप जो है इस कार्य में लगेंगे कि इसकी प्लम्बिंग या इसके भीतर कहाँ की दीवार में, कहाँ के दरवाजे में, कहाँ पे किचन में कौन कौन सी चीजों की या कहाँ कहाँ क्या क्या इस मकान में कमियां हैं उनको मैं दूर करूं, और आप उसमें कार्यरत हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार, और उसको जो है आप उस कार्य में, क्योंकि
आपके पास वो 1 लाख रुपए ही है, आपके पास वही जगह है। ठीक उसी प्रकार से जीवन के जिस मकाम पे, जिस सिचुएशन में भगवान ने आपको डाल दिया, अब यही लाइफ है आपके पास। अब इसमें या तो आप समय और ऊर्जा को गवाते रहिए उसको कोस कोस करके और हाथ पे हाथ रखे, या जो मिला है उसका शुक्राना करें, उसका धन्यवाद करें और अपने एनर्जी को लगाएं उस जीवन को और बेहतर, कल से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें। और इसी से आपके जीवन में एक सेटिस्फेक्शन आएगा, आपके जीवन को एक अर्थ मिलेगा, वरना व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग। जीवन में कुछ तो अर्थ होना चाहिए ना, कुछ तो जीवन में आपकी उपलब्धि होनी चाहिए कि आप इस जीवन में आए हैं। आप अपना पहले भला करें, उसके बाद आपकी अगर क्षमता बचती है तो आप किसी और का भला करें। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि सबसे पहले सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। पहले जो भी जीवन में आपको अपने शरीर को दुरुस्त बनाने के लिए, देखिए लोगों को मालूम होता है कि हमें जो है नहीं खाना बाजार की गंदी चीजें और ये जंक फूड, लेकिन फिर भी खाते हैं। तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए, निरोगी काया बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए भोजन पदार्थ की आवश्यकता है, और आपके शरीर को सक्षम बनाने के लिए जो भी आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, तो वो सारे कार्य आपको करने चाहिए ताकि जब शरीर सक्षम होगा तभी आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। और साथ साथ अपने विचारों पर काम कीजिए, आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए। कोई अगर गलती करता भी है तो क्षमा कीजिए, कोई आपको दुख पहुंचाता है लेकिन आप ईश्वर से उसके भले की कामना, अपने से जितना हो सके आप अपने तरफ से आप पॉजिटिव रहिए, आप दूसरों की मदद कीजिए और कोशिश करिए कि आप हमेशा जो है अपने मन की भावना याद रखिए। हमारे समाज में आज जो हम कहते हैं ना कि बहुत डेडली डिसीजेस, कैंसर या एड्स, ये सब नहीं है, हमारा माइंड ही हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि हम अपने मन में जो ये क्या कहते हैं हेट्रेड, दूसरों से नफरत करना, गुस्सा करना, दूसरों का बुरा सोचना, जेलेसी करना या लोभ करना या दूसरे को नीचा दिखाना, अगर हम इन भावनाओं को सबको निकाल बाहर फेंके तो कोई कारण नहीं कि हम अस्वस्थ रहे, बल्कि परोपकाराय इदम शरीरम। अगर आपको जीवन में खुशी चाहिए तो खुशी बांटिए, अगर आपको जीवन में प्यार चाहिए तो प्यार बांटिए, तो जो भी आप बांटेंगे वो वापस आपकी तरफ पलट कर आएगा, ऐसा कुदरत का नियम है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है और जीने का जो तरीका है बहुत सरल सुगम है और बहुत ही खूबसूरत है, तो हर परिस्थिति में आपकी दृढ़ता बनी रहेगी और जीवन में आप इंजॉय करेंगे। नहीं तो आप क्या है कि सबसे पहले जब आप कोई व्यक्ति अपने रोगों से ग्रस्त होता है तो वो बिटरनेस आ जाती है उसके अंदर, एक कड़वाहट आ जाती है, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, सबके अंदर कमियां, एक चिड़चिड़ापन सा रहता है, आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। कष्ट कष्ट सहना पड़ेगा, देखिए राम भी उन्हीं को मिलते हैं जो कहते नहीं है कष्ट जो भोगते हैं, उन्हीं को जो तपस्या करते हैं, जो कष्ट झेलते हैं, उन्हीं को जो है ईश्वर भी मिलते हैं और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद कुछ एफर्ट करते हैं। तो वो एफर्ट से नहीं घबराना है, अपने अपनी ग्रोथ, अपनी अपनी क्षमताओं का हर दिन एक नया विकास, कि कल मैं 10 बार गुस्सा होती थी आज मैं 9 बार हूँ, आगे चलकर या मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा तो आगे मैं जाके ये नहीं करूं। रिलेशंस में आप देखेंगे घर के आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा और धीरे धीरे जो है वो नेगेटिविटी खत्म होगी। तो कोई भी दुख की परिस्थिति हो आप बड़े आराम से उस स्थिति से वो पार कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आज का जो लेक्चर है
अपने अपने भीतर, हमारे भीतर, हमें कोई बाहर नहीं ढूंढना हल कि मुझे अपना जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बाजार से शॉपिंग कर लूं, मैं बाजार की चीजें खा लूं, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। मुझे भीतर ही झांकना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर कमी है। और सबसे बड़े जज आप होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ मेरे इस एक्शन से या वाणी से किसी को दुख पहुंचा, क्षमा मांगिए, सॉरी मांगिए। और बहुत बार रिसर्च ने ये देखा कि कईयों के क्रॉनिक एलिमेंट्स थे, ऐसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स थे जो बरसों से जान नहीं रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है बैठ के एक पेपर पे लिखिए कि जिनके साथ आपका जो है कुछ मन मुटाव है। कई होते हैं ना कि रिलेशन में बातचीत बंद हो जाती है, पिता पुत्र से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं होती, कई बहनों से झगड़ा हो जाता है। तो जिनसे भी मन मुटाव है, आप अपने मन से वो सारा जो है नेगेटिविटी और वो जो है टॉक्सिंस, उसको निकालिए। और जिससे व्यक्ति से जिसे कहते हैं थोड़ा मन मुटाव है, उनको फोन करके कहिए कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का मन मुटाव वो दूर हो। अपनी तरफ से आप करिए, आपकी जिम्मेवारी अपने प्रति है, सामने वाले का क्या है वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप सामने वाले की तो सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना जो है वो करके आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बोझ आपके दिमाग से उतर जाएगा और रोग आपका जो है बड़ी तेजी से आपका सही होने लगेगा और आप बहुत हल्का, हेल्दी और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो इन बातों के साथ चलिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप कोई पूछ सकते हैं। अगर जी सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अरे वो पूजा जी चली गई फिर क्या, एक पूजा हमारे साथ थी, एक मिनट। हाँ वो चली गई है लगता है। चली गई, देखिए उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरी बातों में। खैर एनीवेज, निर्मला जी कैसी हैं आप? आपने बहुत अच्छा बोला है, मुझे इतना अच्छा अच्छी, लगा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग हमको ग्रुप में डालिएगा जरूर, ठीक है, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हो भी रही। ऐसा कुछ होगा इसको सुनने से अंदर से वो वापस आएगा कि नहीं, हमको ऐसे जीना है और हमको ऐसे बनना है। बिल्कुल आप बिल्कुल पक्का डालिएगा और लोग भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन जीने का तरीका ही यही है और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। 4 दिन का जीवन है, उसमें आपने मन मुटाव रख लिया। अच्छा उससे क्या हुआ कि आप अपने मन पे इतना बड़ा बोझ लेके जी रहे होते हैं, और यही आपने, अगर आपको लगा कि नहीं भाई मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती जो हुई अब वो हटाओ, 4 दिन का जीवन है, पता नहीं आज हमारे साथ कोई है कल नहीं है, तो हम क्या लेके जाएंगे। तो लेकिन आप अपने लिए जो है स्वस्थता का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बोझ आपके सिर से निकल जाएगा कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये आप करके देखिए। मैं निर्मला जी से पूछ रही थी, निर्मला जी आपकी हाँ जी, तबीयत कैसी है, कैसे हो आप? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा प्राणायाम कर रही हूँ और तबीयत में सुधार आ रहा है मेरा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मुझे सुनकर बस सभी लोग स्वस्थ रहे, मैं बेहतर देखती हो। हूँ, मैं बीच में बोल रही हूँ, पर मैं देखती हूँ ये वो सारी एक्सरसाइज करती हैं, कम करती हैं लेकिन सब करती हैं। वेरी गुड निर्मला जी, वेरी गुड, आई एम थैंक यू सो वेरी मच, हैप्पी, थैंक यू सो वेरी हैप्पी, मच। सो हैप्पी। बस मेरा तो जैसे सांस बीच में अटकता है ना, ये ठीक हो जाए तो मैं पूरी ठीक हो जाऊं। और मुझे अभी खाना वाना भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है। हमें लपेट बांधी है छाती की लपेट, बांधी सुबह, बांधी 40 मिनट के बांधे। हाँ बांधिए हाँ अच्छे से बांधिए, और बल्कि बांध के मुझे एक फोटो खींच के देना, मैं देखना चाहूंगी किस तरह से बांध रहे हो आप, सही अरे बांध। तो सुबह सुबह हाँ मेरे से फोटो वोटो खींचती नहीं है, मैं थक जाती हूँ पूरी तरह से। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप कन्ने को पहले बात बांध करनी है, कन्ने को दी कुछ पूछना बराबर है। 40 मिनट के लिए। आप निर्मला जी इतनी सुंदर लग रही हैं, मेरे को जो पहले दिन आपने ज्वाइन किया तब से अब तक देखो इनके चेहरे पर एक मिलावट नहीं, है, बहुत बहुत मेरे को नया जीवन मिला है। बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही आपको सुंदर। बता रही हूँ ये सारी एक्सरसाइज करती है, मैं चेक करती हूँ। अरे वाह, मोस्ट वेरी मच वेलकम, इसी तरह से अपना ध्यान रखिए। कनक जी आप कुछ पूछना चाह रही थी। मैम, मैं पूछ रही थी कि
कि मेरे हाथ में ये शोल्डर में ये दर्द है इसका एर्थराइड का, तो मैं वो लपेट बांध सकती हूँ क्या? हाँ, इसका मैं आपको 3 स्टेप का प्रोटोकॉल बताती हूँ। सबसे पहले तिल के तेल में, जो मैंने बताया था कि तिल के तेल, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप उसमें अजवाइन डाल लीजिए। जो लोग लहसुन खाते हैं वो तिल के तेल में 50 ग्राम तेल में 6 लहसुन की कलियां पका सकते हैं 10 मिनट तक, नहीं तो उसमें अजवाइन डाल के वो आपका पीनाहारी तेल बन जाएगा। अब वो गुनगुना तेल जो है आप जो है 5-10 मिनट के लिए मसाज करें, उसके बाद हॉट वाटर बॉटल से उसकी सिकाई करें, और उसके बाद ये भीगी हुई पट्टी निचोड़ कर लपेट बांधिए। अब देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको फायदा होगा दर्द में। जी मैम, एक पूछना था, जैसे मेरे पेरेंट्स रहते हैं बिहार में, तो वहाँ तो मौसम ठंडा हो गया, थोड़ा एज भी है उनका, तो ये लपेट बांध सकते हैं क्या? उनको लपेट वैसे भेजा हुआ है, गए थे ये। लपेट बांध ले, उनको कह दीजिए सूखी लपेट बांध ले, सूखी। हाँ, क्योंकि ठंड है ना, और बुजुर्ग में उनको ठंड वंड नहीं लगता है, तो उनको सूखी लपेट उनसे कहिए ऐसे ही बांध ले। उनके पेट में है ना प्रॉब्लम, तो और नहीं तो गुनगुने पानी में भिगो के एक बार उनसे कहिए बांध के देखे, अगर उनको ठंड लगती है तो बिना भिगोए कह दीजिए ऐसे करके। जी हाँ, तो चलिए फिर आ गया है। हाँ सुशीला जी पूछिए। वो कल मैंने थोड़ा सा गीला करा उसको, लेकिन वो वार्म वाटर में भी रखते ही इतना ठंडा लगता है कि वो नहीं रख सकते हैं। नहीं नहीं पहले तो शुरू में ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैंने 3 स्टेजेस बताए थे ना, पहला था शीतकारी इफेक्ट, फिर न्यूट्रल इफेक्ट, देन उष्णकारी इफेक्ट। 40 मिनट है, पर वो दिल्ली की अपनी ठंड इतनी है कि वो इतना ठंडा लगता है कि वो मन ही नहीं कर रहा था बांधने का। एक बार अच्छा मैं बताती हूँ, आप दिन में बांधिए, धूप में बैठ जाइए बांध के। हाँ दिन में कर सकते हैं, धूप तेज होती है अभी। हाँ धूप में बैठ सकते हैं, लेकिन बांधिए जरूर, उसका फायदा जरूर होगा आपको, बहुत चमत्कारी है। तो ठीक है फिर आ गया है, चलिए नमस्कार। थैंक यू, ये वीडियो आप जरूर डालिएगा। जी जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू।